नमस्कार दोस्तों, मन से दुखी रहने वाले किस प्रकार से अपने मन का बोझ हल्का कर सकते हैं, इसे जरूर सुने। नवीन एक प्राइवेट विद्यालय में शिक्षक था। नवीन शुरू से ही शांत प्रवृत्ति का इंसान था। एक दिन कक्षा में पढ़ाते हुए किसी बच्चे पर उसे गुस्सा आ गया और उसने उस बच्चे को डांट दिया। बच्चे को अपना अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने अपनी कॉपी फाड़ दी और नवीन के सवालों का जवाब नहीं दिया। नवीन ने इसके लिए न तो उस बच्चे को कोई सजा दी और न ही इसकी शिकायत शाला प्रबंधन को की और न ही उस बच्चे के अभिभावकों से की। इस घटना से नवीन के दिल को बहुत ठेस पहुंची और उस बच्चे के प्रति उसका व्यवहार बदल गया। उसने फिर कभी उस बच्चे को कुछ नहीं कहा। नवीन का मन उस बच्चे द्वारा किए गए अप्रत्याशित व्यवहार और अपने अपमान के भाव को भुला नहीं पाया। नवीन के मन के ये हालत हालांकि और किसी को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा खुद नवीन और वह बच्चा पीड़ित थे। खुद उस बच्चे ने नवीन से पूछा, सर आप सबको उनकी गलतियों के लिए डांटते हैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं डांटते? मुझसे क्या गलती हो गई? आप मेरा प्रति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? दरअसल नवीन उस बच्चे को दिल से माफ़ नहीं कर पा रहा था। एक अध्यापक होने के नाते वह अपना अध्यापनपन का फर्ज तो निभा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर अपने प्रति उस बच्चे के व्यवहार की खटास उसे सहज नहीं होने दे रही थी। नवीन का मन उस अपमान को भुला नहीं पाया था। उस बच्चे के व्यवहार से नवीन को बहुत दुख पहुंचा था। ऐसा होते होते कई दिन बीत गए। कुछ दिनों बाद नवीन का शहर के एक ध्यान शिविर में जाना हुआ, जहां ध्यान से पहले आत्मशुद्धि के लिए एक सेशन चला था। वहां अनुदेशक सब लोगों से अपने आप से दूसरों को माफ़ करने के लिए कह रहा था, जिसमें तुम्हारा दिल दुखाया है उसे माफ़ कर दो, उसकी गलतियों की सज़ा भगवान खुद देगा। तुम उसे माफ़ न करके अपने आप को पीड़ा दे रहे हो। माफ़ कर दो और अपने मन का बोझ हल्का कर दो। किसी के गलत व्यवहार को अपने मन में मत रखो, उसे भुला दो और उस इंसान को सच्चे दिल से माफ़ कर दो। माफ़ कर देना सज़ा देने से भी बड़ी बात है। नवीन पर भी उस सेशन का असर पड़ा। नवीन पिछले कई दिनों से उस बच्चे को माफ़ नहीं कर पा रहा था। इसको ध्यान स्तर के दौरान नवीन ने उस बच्चे को माफ़ कर दिया। आज नवीन को एहसास हुआ कि माफ़ कर देना जीवन की सबसे बड़ी जीत है। आशा करती हूँ दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी आपके जीवन में ज़रूर बदलाव लाएगी। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।